लिख के देंगे, लिख के देंगे, ठीक है। कोई नहीं जान रहा, वो सहमत है, वो लिख के ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय खाद्य मंत्री जी से सरगुजा संभाग के राशन कार्ड संबंधी जानकारी चाही थी, जिसमें प्रश्न खा के संदर्भ में जवाब आया है कि इसी महीने के 31 तारीख तक नवीनीकृत राशन कार्डों का वितरण पूर्ण किया जाएगा। मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा और साथ ही साथ ये अवगत कराना चाहूंगा कि संभाग के सभी जनपद मुख्यालयों में राशन कार्ड के नए मांग हेतु सैकड़ों की संख्या में मामले लंबित हैं, और ये केवल एक या दो महीने के मामले नहीं है, एक एक साल तक मामला लंबित है। तो क्या पात्रता के आधार पर इनको शीघ्र समय पर राशन कार्ड उपलब्ध नहीं कराया जा सकता क्या? चलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न वितरण का है और विधायक जी बोल रहे हैं जो प्रश्न है उसमें, तो शिविर लगा करके वितरण करने का निर्णय लिए हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, और विधायक जी कुछ बोल रहे हैं नया राशन कार्ड बनाने का, तो आवेदन का समय सीमा 15 अगस्त तक के बढ़ा दिया। देखिए, 15 अगस्त तक के आवेदन लगाएंगे उसका कार्ड 15 अगस्त तक लगा सकते हैं जी। इसमें एक चीज है अध्यक्ष महोदय, कि पता चलता है कि कुछ कर्मचारी क्षेत्र में 2,000 रुपये की मांग करते हैं राशन कार्ड को लेकर, और जो पैसा देता है उसका जल्दी कार्रवाई हो जाता है, और नहीं देता है या सक्षम नहीं होता है। ये मामला अभी का नहीं है, 2000 में ये मामला बहुत पहले से चले आ रहा है, और यदि जो पहुंच नहीं पा रहा है उसका राशन कार्ड महीनों महीनों तक दब जा रहे हैं, तो क्या इस पर कोई कठोर कदम उठाएंगे कि ऐसा कार्रवाई ना हो? मंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो हमारे पास शिकायत नहीं आई, विधायक जी अगर बता देते हैं तो उसको देखवा लेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय। और रह गया सवाल, मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूँ, इसीलिए तो बोला हूँ कि आप लोग शिविर लगा करके, हम कलेक्टर को निर्देश देंगे, शिविर लगा करके आप लोग भी उपस्थित रह के कार्ड वितरण कराइए, यही मैं विधायकों से आग्रह करती हूँ। बहुत अच्छा। एक सवाल और अध्यक्ष महोदय, इसमें जैसे ग्राम पंचायत से नया राशन कार्ड की मांग जनपद में जाती है, तो इसमें जो रिजेक्ट होते हैं या पात्र होते हैं उनकी जानकारी ग्राम पंचायत को नहीं मिलने कारण से जो हितग्राही होता है उसको ये लगता है लंबे समय तक कि मेरा नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो ऐसा कोई उचित व्यवस्था होनी चाहिए कि उसके रिजेक्शन का भी जानकारी ग्राम पंचायत तक जाए, ताकि सब पात्रता के आधार पर एक निश्चित हो जाए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, वैसे जो भी आवेदन है निरस्त होने का तो सवाल नहीं उठता, और अगर सही सही आवेदन में जानकारी देते हैं निरस्त होता माननीय अध्यक्ष, ऐसा कुछ भी होगा बता दे उसको भी। उनका कहना है अपात्रों को जानकारी ही नहीं मिल पाती, अपात्र जो है उनको जानकारी मिल जाना, इस तरह ही प्रश्न है उनका जी। चलिए ठीक।